चंदा बहन, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, तुमने इस राज्य को बचा लिया, मैं क्या बताऊं। ये तो उसका फर्ज है राजा साहब। चंदा बहन, मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देना चाहता हूँ, बताओ। राजा साहब, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना एक घोड़ा चाहिए। घोड़ा? हाँ राजा साहब, उम्र हो गई है ना, चलने में बहुत तकलीफ होती है, एक घोड़ा होता तो बहुत अच्छा होता राजा साहब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मेरे अस्तबल में जो घोड़ा सबसे तेज है वही मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। ओ दीदी, ये देख मेरा घोड़ा। कहाँ से चुराया? मैं क्यों चुराने लगी, ये मुझे राजा साहब ने दिया है। हाँ हाँ। तो तेरा घोड़ा तू दौड़ा, मुझे बताने से क्या होगा? तुझे दिखाने से ही तो मजा आता है दीदी। अरे ओ चंदा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी कहाँ? दिखाओ दिखाओ। हाँ दो दो मुझे। ओ दीदी, क्या कर रही है? क्या बात है, यहाँ पर क्यों आई है? सुन ना दीदी, पास वाले गांव से मेरे पास एक चिट्ठी आई है, कुछ महीने वहाँ पर रह के वहाँ की समस्याओं का समाधान करके आती हूँ, यही बताने आई हूँ। तो फिर जाना, मुझे क्यों बता रही है? मैं चली जाऊँगी तो मेरे घोड़े का ख्याल कौन रखेगा दीदी? यही मौका है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब तक तुम वापस आओगी तब तक उसे मैं संभाल लूंगी। दीदी तू कितनी अच्छी है रे, मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी, मेरी अच्छी दीदी। अब दिखाती हूँ तुझे मेरा असली खेल। मेरा अच्छा घोड़ा, संभल कर रहना, बिल्कुल बदमाशी मत करना दीदी, इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है ठीक है, तो निश्चिंत होकर जा। अब आया मेरे हाथ में चांस, खाऊंगी कूट कूट कर मांस। क्या रे दीदी, क्या कर रही है? हाँ अरे चंदा, तू आ गई? अरे मैं तो मांस बना रही थी, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं घूमने थोड़ी ना गई थी, मैं तो काम से गई थी ना। अच्छा छोड़ ये सब बातें, मेरा घोड़ा कहाँ है दीदी? तुम इसके बारे में मत ही पूछो, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद वो घोड़ा मर गया। ये क्या दीदी, वो मर गया? हाय हाय, मेरा प्यारा। अब क्या कर सकते हैं बहन, सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है। मैं तो एक तंदुरुस्त घोड़ा रख कर गई थी और कुछ दिनों में ही। अब क्या कर सकते हैं बोल, जो कुछ भी हुआ मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन मैंने सुबह उठकर देखा तो घोड़ा मरा पड़ा हुआ था। लेकिन लेकिन कैसे मरा वो, तूने ठीक से देखभाल तो किया था ना उसका? हाँ रे हाँ, विश्वास कर मेरी बहन, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मेरा घोड़ा नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, ये मैं यकीन नहीं कर सकती।
दीदी के ऊपर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, लेकिन दीदी सच कह रही है या झूठ कह रही है वो मैं समझूंगी कैसे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दीदी सच कह रही है या झूठ कह रही है ये दीदी खुद ही बता देगी। चंदा बहन आओ 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 आओ, घूमने में मजा आया तुम्हें? हाँ महाराज, घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन लौट कर आई तो एक बुरी खबर मिली। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? यहाँ आकर दीदी के मुँह से सुना कि आपने जो घोड़ा दिया था, मेरा प्यारा घोड़ा, वो मर गया है महाराज। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वो घोड़ा सबसे तेज था महाराज। महाराज मुझे बिल्कुल वैसा ही एक घोड़ा चाहिए महाराज। लेकिन अब उस तरह का घोड़ा तुम्हें कैसे मिलेगा? ढूंढने से जरूर मिल जाएगा महाराज, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ चना बहन, वो घोड़ा मुझे भी बहुत प्रिय था। मंत्री बोलिए महाराज। पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो भी इस तरह का घोड़ा मेरे पास लेके आएगा उसे मैं 100 मुद्राएं दूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, सबको बता दो, सबको बता दो। जो आ गया महाराज। शुक्रिया महाराज। सुनो सुनो सुनो, कल महाराज का घोड़ा मर गया है। जो भी इंसान राजा को हूबहू ऐसा ही घोड़ा ला के देगा उसे राजा 100 सोने की मुद्राएं देंगे। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, 100 सोने की मुद्राएं। नहीं, इस मौके को तुम्हें हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। चंदा बहन, कोई घोड़ा लेकर आएगा मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए महाराज, मुझे लग रहा है कि एक घोड़ा तो जरूर आएगा। महाराज मैं घोड़े को लेकर आ गई। अरे वाह, ये तो हूबहू वैसा ही घोड़ा है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कहाँ मिला तुम्हें ये घोड़ा, बताओ। अब क्या बताऊँ महाराज जी, बहुत दूर तक गई और बहुत ढूंढा तब जाकर ये मिला। आपने देखा ना, मैं इसे ढूंढ कर लेकर ही आ गई। ओह बहुत अच्छा किया तूने दीदी, अब तू हट हट हट, मुझे देखने दे जरा। दीदी मरे हुए घोड़े को तूने जिंदा कैसे किया रे? हैं? मतलब हैं? मतलब ये मेरा ही घोड़ा है जो महाराज ने दिया था। ये क्या, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हा? जी महाराज, मैं जब आपसे घोड़ा लेकर गई थी तो उसके पैर के नीचे अपना नाम खुदवा लिया था महाराज, ये देखिए। ये तो सही है। अरे हाँ, ये तो तुम्हारा ही नाम लिखा है इसमें। मतलब? इसका मतलब महाराज, दीदी ने मुझसे झूठ कहा था, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ और इसीलिए मैंने आपसे घोषणा करवा के ये चक्कर चलाया महाराज। मंदा, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मतलब कोई है इसे बंदी बनाओ, अभी बंदी बनाओ, पकड़ लो इसे। नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल मंदा ने मुझे 10 मोहरों के बदले ये सुंदर सा घोड़ा बेचा है और मुझसे ये भी कहा है कि अगर मैं इसे लौटा दूंगा तो वो मुझे 20 मोहरे देंगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ जानता नहीं हूँ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको छोड़ दो और मंदा को पकड़ लो, इसको फांसी पे चढ़ा दो। भूल हो गई महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलत हो गई, आगे से नहीं करूंगी, मुझे फांसी मत दीजिए। ठीक है फांसी नहीं दूंगा, तो तुम एक काम करो, तुम उठक बैठक करो। चलेगा महाराज। हाँ, तो शुरू करो। आप 50 नहीं 100 उठक बैठक करके दिखाओ मेरे सामने, अभी करो। और हम लोग शरबत पीते पीते वो देखेंगे। चल दीदी शुरू हो जा, कान पकड़ ले अपनी। बहुत अच्छा बोली हो तुम। कोई है शरबत लेकर आओ। <�ुण>